चलिए अभी हम लोग सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिन कार्ड क्या होता है और उसके बाद स्टोर लेजर क्या होता है। देखिए बिन कार्ड से सबसे पहले क्या, देखिए बिन का मतलब क्या होता है, रैक होता है या बॉक्सेस होता है। तो वहां पे एक कार्ड में देखिए जो भी बॉक्सेस होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ मटेरियल रखा जाएगा स्टोर में। तो स्टोर में जो जहां पे मटेरियल रखा जाता है उस बॉक्स में कि कितना मटेरियल का क्वांटिटी है ये सब लिखा होगा, कितना क्वांटिटी आया, कितना क्वांटिटी यहाँ से इशू हो रहा है, वो सब जिस कार्ड में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग बिन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भर लेते हैं, इस दोनों के डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बिन कार्ड क्या होता है प्लस में स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है। ठीक है, बिन कार्ड में एक बार फिर से बता दूं कि देखिए जो भी स्टोर में रैक होता है, रैक के अंदर जो भी मटेरियल रखा होता है उसमें कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, उसका क्वांटिटी लिखा होता है, ना कि प्राइस। तो वो क्या हो गया, बिन कार्ड हो गया। तो बिन कार्ड में क्या हो गया, इट इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर इन द स्टोर। तो जो भी स्टोर कीपर मतलब जो भी स्टोर को यहाँ पे मैनेज करता है वो स्टोर में लिखता है कि मतलब जो भी रैक होता है उसके अंदर में कि कितना क्वांटिटी यहाँ पे दे रखा हुआ है, कितना क्वांटिटी है किस मटेरियल का, वो जिस जिस कार्ड में लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिन कार्ड बोलते हैं। इसके बाद स्टोर लेजर में क्या होता है, तो इट इज मेंटेन इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए बिन कार्ड भी एक तरह से क्या होता है, एक बोल सकते हैं हम लोग पेपर का टुकड़ा जहां पे क्वांटिटी लिखा होता है। और यहाँ पे स्टोर लेजर में क्या होता है, तो स्टोर लेजर में देखिए बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ मटेरियल रिसीव इशू एंड रिटर्न कितना हुआ स्टोर से, तो वो लिखा होता है। देखिए बिन कार्ड में क्वांटिटी सबसे पहले लिखा होता है, क्वांटिटी में कितना क्या हुआ यहाँ पे रिसीव हुआ, कितना यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, कितना यहाँ पे इशू हो चुका है, तो ये यहाँ पे लिखा होता है किस में, तो बिन कार्ड में। और स्टोर लेजर कार्ड में क्या लिखा होता है, तो यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखा होता है प्लस में यहाँ पे वैल्यू भी लिखा होता है। देखिए बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लिखा होता है, और यहाँ पे जो स्टोर लेजर कार्ड हुआ जिस यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखा होता है प्लस में यहाँ पे वैल्यू भी लिखा होता है, और उसके बाद यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, कितना इशू किया गया, प्लस में कितना रिटर्न हुआ, ये सब यहाँ पे कंटेंट दोनों ही केस में होता है। अब देखिए बिन कार्ड में क्या बोला, यहाँ पे एंट्री इज मेड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम में, और एंट्री इसमें हमेशा जब पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। स्टोर लेजर कार्ड में एक बार जैसे ही एंट्री हो जाता है मतलब जितना ट्रांजेक्शन हो जाता है उसके बाद एंट्री किया जाता है, और यहाँ पे बिन कार्ड में जैसे ही यहाँ पे एंट्री होता है मतलब जैसे ही इशू किया गया उसी टाइम में यहाँ पे अपडेट किया जाता है, ना कि स्टोर लेजर कार्ड में। उसके बाद में क्या बोला कि इस ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, बिन कार्ड में हम हमेशा इंडिविजुअली जैसे एक बार रिसीव हुआ तो लिखना लिखना होगा, उसके बाद जैसे फिर से रिसीव हुआ तो फिर से लिखना होगा। तो इसमें जितना बार रिसीव हुआ, जितना बार यहाँ पे रिटर्न हुआ, जितना बार यहाँ पे इशू किया गया, वो सारे के सारे बिन कार्ड में इंडिविजुअली लिखा जाता है। और यहाँ पे जब भी स्टोर लेजर का बात है तो इसमें यहाँ पे इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं और यहाँ पे समरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है तो उसे बिन कार्ड में दिखाया नहीं जाता है, जबकि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन होता है तो उस टाइम में भी स्टोर लेजर कार्ड में दिखाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बिन कार्ड क्या होता है प्लस में स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है। एक बार फिर से, जो स्टोर में जो भी मटेरियल रखा होता है उसके ऊपर में एक कार्ड चिपकाया जाता, मतलब उसे क्या किया जाता है, कार्ड रखा जाता है, और उस कार्ड में जहाँ पे डिटेल होता है क्वांटिटी का, कितना इशू हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कितना रिसीव हुआ, जिसमें डिटेल लिखा होता है उसे हम लोग बिन कार्ड बोलते हैं, और जिसमें क्वांटिटी भी प्लस में यहाँ पे वैल्यू भी लिखा जाता है तो उस वाले कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर लेजर कार्ड। और यहाँ पे डिफरेंसेस आप लोग एक बार फिर से भी पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिन कार्ड क्या हो गया प्लस में स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है। ठीक है, अब ये वाली पॉइंट आप लोग को अच्छे से देखना, इसी से सम्स हम लोग बनाएंगे इन्वेंट्री कंट्रोल से। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में ये देख लीजिए, इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग को देखना है सबसे पहले कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या होता है, फिर उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब कि हम लोग कब रीऑर्डर करेंगे, व्हेन टू ऑर्डर मतलब कब ऑर्डर करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। देखिए जैसे मान के रखते हैं कि ये एक फैक्ट्री रहा, ये क्या है, फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट मान लेते हैं ए बन रहा है, ए प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए, मान लेते हैं कि पी रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए जो प्रोडक्ट ए को बनाएगा। तो इस रॉ मटेरियल को कब यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है तो एक ही बार में सारा स्टॉक यहाँ पे एक रहा, स्टोर रहा, स्टोर में यहाँ पे कुछ स्टॉक है, मान लेते हैं कि कितना, तो 10,000 kg यहाँ पे स्टोर में मटेरियल है। अब इसका मिनिमम इसका लेवल कितने पे आ जाएगा कि उस टाइम में यहाँ पे क्या करना होगा, ऑर्डर देना होगा, तो वही हम लोग के पास क्या हो गया, तो व्हेन टू ऑर्डर, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। मतलब किस क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहिए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीऑर्डर लेवल बोलेंगे। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर मतलब कितना ऑर्डर देना चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, या ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना हम लोग को ऑर्डर देना चाहिए। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, तो मैक्सिमम कितना स्टॉक लेवल, हम देखिए
हम लोग स्टोर में यहाँ पे 10 10,000 kg हैं, तो हमेशा 10,000 kg नहीं होगा, ये फैक्ट्री में कभी इशू होगा फिर यहाँ पे परचेज करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कितना मैक्सिमम स्टॉक स्टोर में रखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मान लेते हैं कि यहाँ पे 15,000 मैक्सिमम इसमें स्टोर में रखा जाना चाहिए और मिनिमम इसका स्टॉक कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 1,000 kg इसमें रहना चाहिए स्टोर में स्टॉक। तो ये जो हम लोग का अपर लिमिट हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और ये जो मिनिमम लेवल हो गया कि इससे कम यहाँ पे एटलीस्ट कितना मटेरियल यहाँ पे रखना ही होगा स्टोर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो आप लोग को समझ में आ गया, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कि कितना ऑर्डर, मतलब व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना चाहिए। फिर मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब कितना मैक्सिमम स्टॉक स्टोर में रखा होना चाहिए। फिर मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब कितना मिनिमम होना चाहिए स्टॉक का लेवल। फिर एवरेज स्टॉक लेवल, इसका मतलब क्या कि नॉर्मली कितना यहाँ पे स्टोर में रखा जा रहा है। फिर डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, तो उस टाइम में इमरजेंसी के टाइम में कितना मिनिमम होना चाहिए स्टॉक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल बोलते हैं। देखिए 15,000 से यहाँ पे 1,000 के बीच में क्या रहता है, ये स्टोर में रखा होता है मटेरियल। अब यहाँ पे डेंजर लेवल का क्या मतलब होगा, कि डेंजर लेवल का मतलब कि उससे नीचे नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि इस केस में डेंजर लेवल कितना पैसे किया गया, 700 kg पे, तो यहाँ पे 700 kg से नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे ही 700 kg पे आ जाए, मतलब 1000 से जैसे ही नीचे जाएगा, तो उस टाइम हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, कि यहाँ पे डेंजर लेवल आ चुका है। मतलब 700 से लेकर के 1000 के बीच में अगर कुछ भी क्वांटिटी रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे डेंजर लेवल हो गया, इससे नीचे नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंजर लेवल। उसके बाद बफर स्टॉक के विषय बोलते हैं, तो यहाँ पे टू मीट सडन डिमांड, तो अगर सडन डिमांड कुछ भी आ जाता, तो उस टाइम में जो भी स्टॉक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक। तो ये वाले पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से रीऑर्डर लेवल का मतलब कितना और किस टाइम में यहाँ पे किस पीरियड में कितना ऑर्डर करना चाहिए, तो ये हो गया रीऑर्डर स्टॉक लेवल। फिर यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना चाहिए। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कितना मैक्सिमम स्टॉक रखा जाना चाहिए। फिर मिनिमम स्टॉक लेवल, कितना मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए। फिर एवरेज स्टॉक लेवल, नॉर्मली कितना रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेंजर लेवल, मतलब इमरजेंसी के टाइम में कितना रिक्वायरमेंट है, वो हो गया डेंजर लेवल स्टॉक। उसके बाद बफर स्टॉक, अगर सडन डिमांड आ जाता, तो उस टाइम में कितना इसके टाइम में कितना यहाँ पे स्टोर में मटेरियल होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे सम्स में करेंगे वैसे हम लोग समझेंगे, बट एक बार आप लोग थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे आ जाते हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल के लिए। तो यहाँ पे रीऑर्डर स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब एक दिन में कितना कंजम्पशन हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब कितना दिन में यहाँ पे पीरियड दिया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है ऑर्डर देने का पीरियड। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होते हैं, हम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन और एवरेज ऑर्डर पीरियड। तो ये हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, द मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, की प्रोडक्शन में कितना मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, कितना कंजम्पशन किया जा रहा है, वो क्या हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन। फिर यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब द मैक्सिमम टाइम टू गेट ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर टू द स्टोर, मतलब कितना दिन सप्लायर से ऑर्डर लगने में ऑर्डर आने में टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि स्टोर ये रहा, स्टोर में हम लोग देखे थे कि हम लोग का स्टोर में कितना से कितना रहता है मटेरियल। एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए कि 20,000 kg से लेकर के 10,000 kg से लेकर के 20,000 kg तक यहाँ पे स्टोर में रखा होता है मटेरियल। 10,000 kg से लेकर के 20,000 kg तक यहाँ पे स्टोर में मटेरियल रखा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर लेवल। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम ऑर्डर नहीं है, मिनिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम स्टॉक लेवल। और इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये हो गया हम लोग के पास मिनिमम स्टॉक लेवल, और ये हम लोग के पास हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि स्टोर में जितना भी मटेरियल रखा होता है उसमें एक मिनिमम होता है, मिनिमम होता है और एक होता है मैक्सिमम। तो वो हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, दूसरा क्या हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब नॉर्मली इस स्टोर में कितना रखा होता है, तो नॉर्मली मान लेते हैं कि हम लोग 15,000 रखा होता है। ये 15,000 कैसे है, तो 10,000 प्लस 20,000 का हम लोग एवरेज किया, तो 15,000, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये हम लोग के पास आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस में एवरेज स्टॉक लेवल। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब
फैक्ट्री में नॉर्मली एक दिन में, फैक्ट्री में नॉर्मली एक दिन में कंजम्पशन कितना होता है? तो कंजम्पशन मान लेते हैं कि फैक्ट्री में होता है 1000 से लेकर के 2000 केजी तक कंजम्पशन हो सकता है फैक्ट्री, मतलब कि एक मटेरियल को बनाने में एक दिन में मान लेते हैं कि 1000 से लेकर के 2000 केजी तक यहाँ पे यूज किया जाता है मटेरियल को। तो ये जो 1000 केजी हुआ, ये जो 1000 केजी हुआ वो क्या हुआ? मैक्सिमम कंजम्पशन, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन। और ये जो 2000 केजी हो गया, सॉरी ये हो गया मिनिमम कंजम्पशन, और ये जो 2000 हुआ वो क्या हो गया? तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन ये हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया? और एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? तो 1000 प्लस 2000 को ऐड करके जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लोग के पास यहाँ पे 1500 का जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? एवरेज कंजम्पशन। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब ध्यान दीजिए, ये रहा सप्लायर, सप्लायर। अब सप्लायर जो मेटल, जब हम लोग यहाँ पे सप्लायर को क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। जब हम लोग सप्लायर को क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर करने के टाइम में जो भी सप्लायर से यहाँ पे गुड्स आएगा, जो भी क्वांटिटी मतलब मटेरियल आएगा सप्लायर से, वो नॉर्मली टाइम जो लेता है वो कितना दिन का लेता है? तो यहाँ पे 10 से लेकर के 20 डेज का ये टाइम पीरियड लेता है कौन? सप्लायर मटेरियल को सप्लाई करने में। तो ये हम लोग के पास जो हो गया 10 डेज, वो क्या हो गया? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड हो गया। और ये जो मैक्सिमम हो गया, ये हम लोग के पास हो गया 20 डेज हो गया, वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो कितना दिन में मतलब सप्लायर से आ जाएगा मटेरियल? तो ये हम लोग के पास जो है हो गया मिनिमम टाइम टू गेट ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर टू स्टोर। तो यहाँ पे कितना दिन में आ जाएगा सप्लायर से गुड्स? तो ये हो गया मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम, तो आप लोग समझ गए। और इसी का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, मतलब 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे ये समझना है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता था? कि कितना स्टोर में मैक्सिमम स्टॉक रह सकता है और कितना मिनिमम रह सकता है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया था। अब रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हो गया? कि कब यहाँ पे ऑर्डर करना चाहिए, कब ऑर्डर करना चाहिए। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितना ऑर्डर क्वांटिटी करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग के पास क्या था? यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला क्या होता था? तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये समझ में आ गया ना कि कितना मैक्सिमम मैक्सिमम फैक्ट्री में कंज्यूम हो सकता है गुड्स, और कितना मैक्सिमम डेज लगा सकता है सप्लायर गुड्स को फैक्ट्री यहाँ पे स्टोर तक लाने में। तो ये हम लोग के पास पहला फॉर्मूला हो गया रीऑर्डर लेवल का। अब सेकेंड वाले फॉर्मूला जो हम लोग के पास है, वो सेकेंड वाले फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल के लिए हम लोग के पास क्या होता है फॉर्मूला सेकेंड वाला में? तो मिनिमम स्टॉक लेवल, यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल, कितना यहाँ पे स्टोर में स्टॉक लेवल मिनिमम वाला है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल। और इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी एवरेज कंजम्पशन होगा, जो भी एवरेज कंज्यूम किया जाएगा फैक्ट्री में, इनटू एवरेज, एवरेज क्या? तो यहाँ पे एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। आप लोगों को समझ में भी आ गया कि मैक्सिमम कंजम्पशन क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया था, फिर एवरेज हम लोग कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? तो जो भी मैक्सिमम कंजम्पशन होगा और मिनिमम कंजम्पशन होगा, उस दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? एवरेज कर लेंगे। तो हम लोग के पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा, फिर हम लोग के पास एवरेज रीऑर्डर पीरियड हो गया। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे होगा? तो जितना रीऑर्डर पीरियड होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा, उसको दोनों को हम लोग एवरेज कर लेंगे। और रीऑर्डर लेवल का मतलब कितना हो गया? कि किस टाइम में ऑर्डर देना चाहिए किसको, सप्लायर को। तो ये हो गया रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो ये हम लोग के पास दो अभी तक में फॉर्मूला आ चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? तो रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा हुआ है। ये रहा रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर देना चाहिए सप्लायर को, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में जो कैरिंग कॉस्ट होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने टाइम में तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट मतलब जो भी मटेरियल आएगा उसका, तो कैरी करने में, उसको रखने में, रखने टाइम में स्टोरेज कॉस्ट हो गया, ये सब तो कॉस्ट लगने वाला है ना। तो ये कैरिंग कॉस्ट और प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों मिनिमम जिस पॉइंट पे जाकर के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी का लेवल जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो प्लस में कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक बार ऑर्डर देने के टाइम में क्या क्या कॉस्ट लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। जिसमें क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इनिशिएट कोटेशन हो गया, फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, उसके लिए जो भी कॉस्ट होता है, जो भी परचेज करने के टाइम में, ऑर्डर करने के टाइम में, या एम्प्लॉई कॉस्ट, जो भी ऑर्डर करने के टाइम में, जो भी ऑर्डरिंग के लिए एम्प्लॉई रखा हुआ है, कि जो भी ऑर्डर देगा वहाँ पे ऑर्डर से लेकर के सामान आएगा, तो ये सब जो भी कॉस्ट होता है ऑर्डर करने के टाइम में, वो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब स्टोरेज का कॉस्ट, जैसे जो भी सामान होगा, स्टोर मटेरियल होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे इन्वेंट्री को।
तो ये हो गया स्टोरेज कॉस्ट, हो गया इंश्योरेंस कॉस्ट, हो गया फिर ऑब्सोलेंस कॉस्ट, हो गया ये सब हम लोग का कैरिंग कॉस्ट में आ जाता है। तो फिर यही ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है, इसमें हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं कैरिंग कॉस्ट से। और हमेशा याद रखें कैरिंग कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो भी कैरिंग कॉस्ट है वो पर यूनिट पर एनम होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ पे दे रखा होता है। तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो थर्ड वाले फॉर्मूला में आ जाइए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे 2AO डिवाइड बाय यहाँ पे C हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे EOQ का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हम लोग के पास हो गया। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है, पर ऑर्डर होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा हम लोग को क्या किस चीज पे कंसीडर करना है, तो पर ऑर्डर। फिर यहाँ पे सी हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट हम लोग को किस तरह से देखना है, यहाँ पे पर यूनिट पर एनम। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट का हो गया। तो आप लोग यहाँ पे तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अभी तक में हम लोग क्या देखे, तो सबसे पहला जो हम लोग को कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे सम्स बनाएंगे उस टाइम आप लोग अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी सुन लीजिए, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर मतलब लेवल मतलब हम लोग को कब ऑर्डर दे देना चाहिए। उसके लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला था, एक होता था मैक्सिमम कंजेशन, कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है फैक्ट्री में, और कितना मैक्सिमम टाइम लगा सकता है कौन, सप्लायर और गुड्स को सप्लाई करने में। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जैसे करते थे हम लोग का रीऑर्डर लेवल आता था। दूसरा फॉर्मूला होता था रीऑर्डर लेवल का कि मिनिमम स्टॉक लेवल, यहाँ पे मिनिमम सही से लिखना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम में तो फर्क ही नहीं होगा ना, नहीं तो मिनिमम स्टॉक लेवल। तो यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज हम लोग रीऑर्डर पीरियड लेते थे। और तीसरा देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता था जिस टाइम में मिनिमम क्या चीज होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और मिनिमम यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट होता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × AO डिवाइड बाई सी, मतलब 2 × एनुअल क्या चीज रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई हम लोग क्या करते थे यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग हमेशा पर ऑर्डर से निकालते हैं, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से हम लोग निकालते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो भी एनुअल डिमांड होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट होगा, उसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे। इसे दूसरा मैं पेन से लिख देता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट होगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो भी होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, तो जो भी हम लोग के पास क्वांटिटी होगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो एवरेज क्वांटिटी हेड, और इसमें जैसे ही हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का टोटल में आ जाएगा। ये दोनों जो हम लोग के पास है वो आ जाएगा टोटल में। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टाइम में यहाँ पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट। ये भी लिख देता हूँ, एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमेशा हम लोग का क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट होगा। तो ओ इज इक्वल टू सी। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, एनुअल रिक्वायरमेंट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चलेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। बस एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से कि यहाँ क्या होता था, मैंने आप लोग को बता दिया था, आप लोग दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में।